मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए संजय कुमार स्वामी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस घंटे को दबाना ना भूलें। दोस्तों एडोब इलस्ट्रेटर करीब करीब कंप्लीट हो गए, बस कुछ एक वीडियो इसके बाकी हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर जो हम वर्क करते हैं, जो मैंने आपको बताया है, सीखा है, ये सब काम आप आसान तरीके से भी कर सकते हैं। उसके लिए एक तो तरीका है एक्शन वाला, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने बनाया था एक्शन। एक्शन बना करके आप फोटोशॉप की तरह यहाँ पर किसी भी वर्क को, जो आपको रिपीटेटिव वर्क करना पड़ता हो, उसके लिए आप एक्शन बना सकते हैं और तुरंत उसको फटाफट से कर सकते हैं। एक है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट फाइल के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर स्क्रिप्ट्स मिलेगी। कुछ स्क्रिप्ट्स यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट जो साथ में आई हुई है वो मिलेगी। इसके अलावा आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आप खुद कहेंगे कि क्या हम खुद लिख सकते हैं, लिखने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, इस लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर गूगल के अंदर आने के बाद बताता हूँ किस तरह से आप स्क्रिप्ट नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखें फ्री इलस्ट्रेटर स्क्रिप्ट, इस तरह से आप लिख सकते हैं, डाउनलोड भी लिख सकते हैं, तो आपको खूब सारे इस तरह से लिंक मिलेंगे। जैसे पहला है 30+ मस्ट हैव फ्री इलस्ट्रेटर स्क्रिप्ट, इस तरह के खूब सारे आपको मिलेंगे, जिनके अंदर बहुत सारी आपको फ्री में मिलेगी, कोई आपको खरीदनी भी पड़ सकती है। तो आप क्या करें, जो आपको अच्छी लगे, जो आप फ्री में मिल जाए वो फ्री में ले लें, और आपका ऐसा ही कोई काम है जिसके अंदर आपको खरीदने की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर खूब सारी स्क्रिप्ट है जो मैंने ओपन की है। अब देखिए ये जो शेप है फ्लावर जैसा ये बना देगा ये स्क्रिप्ट। यहाँ पर एक नहीं खूब सारी देर के, जैसे इस 30 इसके अंदर है और उनको यूज कैसे लेना है वो बता रखा है। मैं आपको एक दो यहाँ पर यूज लेकर के भी बताऊंगा। कहीं पर आपको डाउनलोड के लिए स्क्रिप्ट फाइल का डायरेक्ट लिंक मिलेगा और कहीं पर आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, उसको आप क्या कर सकते हैं, कोड मिलेगा, उसको आप नोटपैड के अंदर कॉपी पेस्ट कर लें और उसके बाद में नोटपैड की फाइल को जब सेव करें तो लास्ट में .js लगा करके उसको सेव करते हैं तो वो स्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड करेंगे, ठीक वैसी बन जाएगी। अब देखिए एक यहाँ पर ये स्क्रिप्ट है आर्क करेक्शन, इस तरह से बिफोर के अंदर इसमें बताया हुआ आप ऐसे बनाएंगे और उसके बाद स्क्रिप्ट यूज लेंगे तो कुछ इस तरह से एकदम पूरी तरह से ये आर्क बन जाएंगे। और यहाँ पर ये बिफोर आफ्टर बताया हुआ है, यहाँ पर कुछ एरो लगाने के लिए, कुछ शेप के यहाँ पर बताए हुए हैं, यहाँ पर जो एंकर पॉइंट है दो उनके बीच में दूसरे ऐड हो जाएंगे जितने आप चाहें करना, और यहाँ पर तो इसी तरह से ये खूब सारी स्क्रिप्ट्स हैं। देखिए आप खुद इन पेज के ऊपर आएंगे तो आप खुद देख सकते हैं। एक ये है ट्री लाइक, मान लीजिए इसको हम डाउनलोड करते हैं, ये कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक क्या करेगा, ट्री बना देगा। स्क्रिप्ट फाइल ये डाउनलोड हो गई है और मैं क्या करूँगा, फोल्डर के अंदर जाऊँगा। फोल्डर के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ये JS फाइल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये JS फाइल है, वैसे अगर आप कोड को पेस्ट करके और .js के अंदर सेव करेंगे नोटपैड के अंदर से तो ऐसी बन जाएगी। फिर आपको क्या करना है, एक तरीका तो है कि आप इसको कॉपी करें, यहाँ से आप आ जाएं इस फोल्डर के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एडोब के अंदर एडोब इलस्ट्रेटर CC 2018 जो भी आपका वर्जन है प्रीसेट के अंदर और फिर इंग्लिश US और यहाँ पर स्क्रिप्ट्स और यहाँ आकर के आप क्या कर देंगे, अगर पेस्ट कर देंगे कंटिन्यू तो ये क्या होगा, यहाँ पर उस लिस्ट के अंदर आ जाएगी इलस्ट्रेटर की लिस्ट के अंदर। तो हमने क्या किया है इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर आ जाएगी, लेकिन अभी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, क्यों, क्योंकि इलस्ट्रेटर को आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा तब यहाँ पर दिखाई देगी। दूसरा तरीका है कि गो अदर स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर आप जा सकते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे नीचे ऑप्शन मिलेगा अदर स्क्रिप्ट, ये कहीं पर भी आपके कंप्यूटर के अंदर है वहां आप जा सकते हैं। जैसे मैं अपने यहाँ पर आ गया हूँ जहां पर मैंने डाउनलोड की थी और इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर ऑटोमेटिक एक इस तरह का ट्री बन जाएगा और ये कहाँ बनेगा, सेंटर के अंदर बन जाएगा, जो स्क्रीन है उसके सेंटर में। जैसे अभी एक बार फिर से हम बनाते हैं फाइल के अंदर स्क्रिप्ट अदर स्क्रिप्ट वापस क्लिक करेंगे तो कुछ अलग तरह का ये ट्री बन गया। तो आप इस तरह से उस स्क्रिप्ट से ट्री बना सकते हैं। उसके बाद में आप और डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखिए ये बता रहा है इस तरह से, एंकर पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट करें और कवेच ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें और इस तरह से ट्रेंगल बना सकता है एक एंकर पॉइंट से कुछ इस तरह से, इसको आप इधर उधर ले सकते हैं, मूव करेंगे तो कुछ इस तरह से टोपी जैसा बन जाएगा। उसके बाद में ये है हाईलाइट एंड शेडो स्वाचेस, कुछ इस तरह के हाईलाइट और शेडो स्वाचेस बन जाएंगे, बोतल का लुक जैसे यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए खूब सारे देर की, एक ये देखिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये जो स्टार बने हुए हैं कहाँ पर बने हुए हैं, ये स्टार वहां पर बने जहां पर एंकर पॉइंट था, एक छोटा स्टार एक, फिर ये मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर शो इन फोल्डर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और
इसको डिलीट कर देते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर आने के बाद में मान लीजिए मैं उसी तरह का स्टार टूल या फिर पॉली गॉन वाला ये टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और एक मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टार बना लूँगा, ये छोटा सा स्टार बना लिया और नन कर देंगे, फिल कर देंगे कोई कलर, ये फिल कर दिया। अब इन दोनों को इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, फाइल के अंदर जाएं, स्क्रिप्ट, अदर स्क्रिप्ट, ये देखिए कुछ इस तरह से, जैसे मैंने कहा था यहाँ पर जो जो एंकर पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ये स्टार कॉपी हो गए, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर है ज्वाइन करने के लिए, किसी तरह से आप मान लीजिए कुछ बना रहे हैं उनको रीजनेबल तरीके से क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा, तो आप इसको भी डाउनलोड करके यूज में ले सकते हैं। खूब सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स है, मेटाबॉल बना सकते हैं, डांसिंग इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये अलग अलग तरीके के डांस स्टेप है, ये बनेंगे ऑटोमेटिक, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, डांस वाली डिलीट कर देते हैं स्क्रिप्ट को। इलस्ट्रेटर के अंदर आने के बाद फाइल के अंदर जाएंगे, स्क्रिप्ट, अदर स्क्रिप्ट सिलेक्ट करेंगे, डांस, ये डांस स्टेप जो है आप देख रहे हैं सभी के सभी कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गए, और ये सब के सब यहाँ पर एंकर पॉइंट से इस तरह से बने हुए, आप इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग सी स्क्रिप्ट है, ये रेंडम स्वाचेस फील, ये किस तरह से होगा, हम क्या करेंगे, ये कैसे होगी, मैं क्या कर रहा हूँ इसको ओपन न्यू टैब के अंदर कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए इसको किस तरह से आप यूज में ले सकते हैं, पूरा यहाँ पर तरीका बताया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड, स्क्रिप्ट डाउनलोड हो रही है, फोल्डर के अंदर जाएंगे, एक्सट्रैक्ट हियर, डाउनलोड करने के बाद में जैसे कि ये बता रहा है कि इस जगह पर इस स्क्रिप्ट को हम इंस्टॉल कर लें, यानी स्क्रिप्ट वाले फोल्डर के अंदर प्रीसेट के अंदर ले जाके कॉपी पेस्ट करते हैं, तो जैसा हमें कह रहा है हम कुछ उसी तरह से कर देते हैं। रेंडम स्वाचेस फील ये हमने किया है, रेंडम स्वाचेस फील कॉपी करेंगे, इस जगह पर आ जाएंगे, उसी फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे, कंटिन्यू। उसके बाद में आप क्या करें, इलस्ट्रेटर को क्लोज करें और उसके बाद में दोबारा से ओपन करें, तो मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, तो वापस दोबारा से इलस्ट्रेटर हमने ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं कुछ उसी तरह का, देखिए फाइल के अंदर जाएंगे तो स्क्रिप्ट के अंदर वो आ गए स्क्रिप्ट, देखिए रेंडम स्वाचेस फील, एक तो ये आ गई एक ट्री लाइक वाली जो मैंने बनाई थी यहाँ पर पहले पेस्ट की थी, तो स्क्रिप्ट इस तरह से लेके आ सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से बना लेते हैं, देखिए इसके अंदर मैं कलर ये फिल कर देता हूँ, कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी कर देंगे। अब इसको यूज लेने का तरीका क्या है, तरीका ये लिखा हुआ है, देखिए द रेंडम स्वाचेस फील स्क्रिप्ट कैन बी अप्लाइड सिर्फ एक जगह पर नहीं पूरे आर्टवर्क के ऊपर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी दूर के ऊपर करना है, तो आप क्या करें, लसो टूल से इस तरह से सिलेक्ट करें और उसके बाद में कंट्रोल के साथ में स्वाचेस को सिलेक्ट करें और फिर स्क्रिप्ट को अप्लाई करें। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये सब मैंने सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद में कंट्रोल के साथ में यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे स्वाचेस, मान लीजिए ये कलर सिलेक्ट कर लिए, फाइल के अंदर जाएंगे, स्क्रिप्ट और रेंडम स्वाचेस फील, कितनी शानदार है, आप इस तरह से रेंडमली कलर फील कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट ये मुझे लगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद में इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में और सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबा करके आप नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।